देखो मेरा प्लान नहीं था परफॉर्मेंस का, आई डोंट डू अ लिप सिंक। ओके ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस मैन हैज द मोस्ट नंबर ऑफ सब्स नॉट जस्ट इन द राम राम भाई सारे भैया ना, एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और भाई कैसे हो तुम सब, आई होप तुम सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल निखिल रोहिला व्लॉग्स। भाई आज हम फिर से आ चुके हैं दिल्ली जेएनएन स्टेडियम। आज यहाँ पे आने वाले है यूट्यूबर भी सिंगर भी, तो भाई काफी मजा आने वाला है वीडियो में। भाई कैरी मिनाटी भाई आएंगे तो समझ जाओ भाई कितना मजा आ जाएगा इस वीडियो में। और प्रेम ढिलोन भाई भी आएंगे और जैस्मिन सैंडलस, तो भाई काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो शुरू से एंड तक जरूर देखना वीडियो को। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई मैंने अरेंजमेंट आपको कल वाली वीडियो में भी दिखा दिया था, कल यहाँ पे एमसी स्क्वायर भाई आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो भी देख लो। बाकी आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में भी दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ से एंट्री करनी है, बाहर टिकट मिल जाएगी, तो यहाँ से अंदर चल रहे हैं। भाई मैंने आपको कल वाली वीडियो में दिखाए थे सभी स्टॉल्स, तो अगर आपको देखने हैं तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हो। एमसी स्क्वायर भाई आए थे उस वीडियो में, तो वो वीडियो भी काफ़ी अच्छी बन रखी है। तो आप देखना चाहो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बाकी आपको अंदर का दिखाता हूँ भाई। तो भाई ये सिटिंग एरिया, यहाँ पे कूलर वगैरह भी लग रखे हैं। और भाई गाने चालू हो गए हैं तो कॉपीराइट भी आ सकता है, तो देख के थोड़ा सा मल के करना पड़ेगा भाई। बाकी आज कह रही मिनटी भाई आएंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउड होएगा भाई। कल तो इतना क्राउड भी नहीं था अगर आपने वीडियो देखी हो तो, लेकिन आज क्राउड बहुत ज़्यादा होएगा भाई। और अभी से ही इतना क्राउड हो रखा है भाई, कल तो इस टाइम था ही नहीं भाई। आप वो वीडियो जाके जरूर देखना। बाकी कैरी मिनाटी भाई से मिलाएंगे आपको, काफी मजा आएगा इस वीडियो में। और भाई देखो कितनी भीड़ हो चुकी है, और अभी तो आए भी नहीं है भाई, तो चलो लाइन में लग जाते हैं, मैं तो पीछे से वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। चार लोग ठीक है, शाम तक मुझे उम्मीद है 400 होने वाले हैं, 4000 भी हो सकते हैं, बिकॉज जैस्मिन सैंडलस इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मर। और आपको आज आने वाला बहुत ज्यादा मजा। वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल इन द कंट्री। खाना आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, आपको अच्छे अच्छे सूट्स दिखाई देंगे। ग्रैब द बाइट्स, विल प्रोवाइड द म्यूजिक, इट्स गोइंग टू बी अ फैबुलस आफ्टरनून एंड द इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर कल का लाइनअप 3 दिन के पास है ना, कुछ लोगों ने 3 दिन के पास ले गए, कल का लाइनअप पता आपको कल आने भाई।
परफॉर्मेंस का, आई थिंक पूरा लिप सिंक ओके ओके आ जाओ आ जाओ आ जाओ. देखो, one of the reasons why this man has the most number of subs, not just in the country but in Asia, is for the love and the honesty that he has. एक बार शोर मचाओ अजय ने आगर साहब. क्या चल रहा है भाई, मजा आ रहा है? मुझे लगा सिर्फ खाना खाने आए हैं तुम लोग यहाँ पे. क्या सीन है, खाना खाने में मजा आ रहा है? म्यूजिक में ज्यादा मजा आ रहा है खाना खाने में? घर से खा के आयो? क्या बात है, आ जाओ सर. बहुत बहुत धन्यवाद कैरी फॉर जॉइनिंग अस. आई लेट यू टेक अ सीट भाई, थोड़ी देर बातें करते हैं आपसे. वी हैव अ लॉट ऑफ फैंस हियर. जो मैं बताऊं, इतना जब क्राउड की एनर्जी देखता हूं ना, हमेशा मेरे ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं. जब मैं पहली बार स्टेज पे चढ़ा था ना, तब से लेके आज तक ऐसा एक भी मेरा कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं गई है जहां पर ऐसे धक धक ना हो रही हो. हमेशा ऐसा मेरे साथ. बट आई थिंक कैरी, ये स्टेज फ्राइट जो है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फोबियाज है जनता का इन द वर्ल्ड, जहां पर आप चार लोगों के अगर आपको कुछ बोलना है तो बहुत ज्यादा घबराहट होती है आपको. और अगर ऐसे 400 खड़े हो, 4000 खड़े हो, माई गॉड, आपके पैर कांप जाते हैं. आपने एक करियर बनाया है सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन एंड गिविंग योर थॉट्स. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो जो भी दुनिया में आपको आसपास दिखाई दे रहा है. मैं मजे ले रहा हूँ यार, फुल पावर. कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, मैं बस मजे लेता हूँ. मैंने बोला कि आदमी बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है सर, देख रहे हो आप? बिल्कुल सही. तो आप अपना मजे ले रहे हो टॉपिक्स के ऊपर, चीजों के ऊपर, बट वो कॉन्टेंट क्रिएशन करने के पहले इतने लोग देख रहे हैं. क्या कह रहे हो भैया? क्या एक सेकंड सर, नागर साहब सुन क्या है? आई लव यू अजय को, वो लड़का बोलता है हाँ बोलू ना बोलू समझ में नहीं आया, और बेचारे बीचों फंसा बैठा. मैं भी यार देखो, मैं प्यार नहीं करता बट दो जरूर मानते. कैरी ने फ्रेंड जोन कर दिया भाई, तेरे को सारे बहुत प्यार बट खुश है तो मुझे दिख रहा है आपके. ओके सो कैरी, कमिंग बैक टू आपका जर्नी रहा यार, 8 साल से ज्यादा हो गए आपको. थैंक यू बाय द वे, थैंक यू. इस साल आई गेस हम 9 कंप्लीट कर लेंगे नवंबर में. जो पीछे खाना खा रहे हैं ना, पीछे खाना खा रहे हैं वो लोग भाड़ में जाओ, वो लोग भाड़ में जाओ. भाई तो कैसे हैं आप लोग जो खाना खा रहे हैं, उनको अलग स्ट्रेस हो गई, क्या बात कर रहे हो यार? देखो, हर इंसान को जो भी ये काम कर रहा है, हर किसी को टेंशन चाहिए. यहाँ पे ऐसे लोग घूमते रहेंगे, सब करते रहेंगे तो यार थोड़ा सा ऐसे बुरा लगता है. बट एनीवे, इतने सारे लोग आ गए हैं उसके लिए मैं खुश हूँ. तो अपने लिए एक और बार यार थोड़ा सा चिल्ला दो, मजे आ जाएंगे. बट इस बार मैं गया था, पूरी सांस अंदर खींचो और फिर चिल्लाओ जोर से. जो नर्वसनेस की बात कर रहे थे तुम, जब भी स्टार्टिंग में नर्वसनेस होती है बट जब ऐसा रिस्पॉन्स, इतना प्यार आता है, इतना शोर आता है, उसके बाद वाली फीलिंग कैसी होती है यार? मैं बताऊं, लास्ट टाइम मैंने परफॉर्मेंस दी थी तब मैं सिंगापुर में था. बट सबसे ज्यादा पता है मैं क्या मिस कर रहा था? ये सबसे ज्यादा मैं ये मिस कर रहा था. मैंने कहा ये चेहरे नहीं दिखते वहां पर, वहां पर अलग ही चेहरे दिखते हैं. बट यार कमाल है, तुम लोगों को सही बता रहा हूँ, इतना प्यार है ना मुझे, इतना प्यार है तुम लोगों ने जिंदगी दी है मुझे. थैंक यू सो मच यार उस चीज के लिए. आपको है नहीं है प्यार? कहाँ गया प्यार? अरे आवाज नहीं आई भाई, प्यार किधर गया? अरे अरे थैंक यू दिलीप. अरे धूप हो रही है, समझ रहा हूँ यार, पसीने से पीठ के पीछे से पसीने बह रहे हैं, स्ट्रगलिंग चल रही है भाई इनकी अभी. पसीने कुछ ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ नहीं जाने चाहिए. कन्वर्सेशन सर वहाँ जानी चाहिए, ये बढ़िया, वहाँ जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए.
कमिंग बैक टू द कन्वर्सेशन भाई, फर्स्टली थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर एसटीसीटी एडवाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आए। तो कंप्यूटर स्क्रीन से आपने जर्नी शुरू करा और यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। द अमाउंट ऑफ लव दैट यू गेट फ्रॉम योर फैंस, एक कम्युनिटी बिल्ड करी है आपने।